मेरा लेखा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर विधायक बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने खुद सदन में खेद जताया है। उनका कहना था, मैंने भावावेश आकर ये बातें कही हैं क्योंकि आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन में नहीं पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर, विधायक का बृहस्पति सिंह ने सदन में खेद जताया है। उनका कहना है, मैंने भावावेश में आकर ये बातें कही हैं। शनिवार को विधायक पर एक हमला हुआ था, हालांकि उनके गार्ड पर ही हमला हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए थे कि ये हमला स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उन पर करवाया है। और उसके बाद जब 26 जुलाई को पहला दिन था सदन का, सत्र का, उस दिन ये मुद्दा काफी गूंजा। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन पर हंगामा किया और खुद टीएस सिंहदेव कल भी सदन छोड़कर चले गए थे और अपने आरोपों पर, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उनको नकारा था। और इस मामले को लेकर खुद पीएल पुनिया सुलह के लिए बीच में आए थे। तो बहरहाल उन्होंने खेद जताया है विधायक बृहस्पति सिंह ने। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की भी तस्वीरें ये हैं जब टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर बाहर चले गए थे और आज वो सदन में नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन में खेद जताया है, मैंने भावावेश में ये बातें कही थी। जो हमला उन पर हुआ था उसको लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हमला करवाया गया। और इस मुद्दे को जब सत्र की शुरुआत हुई तो पहले दिन इस मुद्दे को विपक्ष ने काफी जोर शोर से उठाया था। विपक्ष का कहना था कि अगर विधायक ही सुरक्षित नहीं है सत्ता पक्ष के, तो विपक्ष के विधायकों का क्या होगा। और इसको लेकर हंगामा काफी कल देर तक बरपा रहा था। आज स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सदन नहीं पहुंचे, लेकिन विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन नहीं पहुंचे, विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने बयान पर खेद जाहिर किया। मैंने भावावेश में ये बातें कही हैं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन नहीं पहुंचे हैं, विधायक ने खेद जताया है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन नहीं पहुंचे हैं, हालांकि विधायक बृहस्पति सिंह ने अपने बयान पर खेद जाहिर किया। उनका कहना है, भावावेश आकर मैंने बयान दिया। तो अपने बयान पर खेद जाहिर किया है विधायक बृहस्पति सिंह ने, मैंने भावावेश में ये बयान दिया है। सदन के भीतर उन्होंने खेद प्रकट किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज सदन नहीं पहुंचे थे। तो चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड नितिन चौबे जी जुड़ चुके हैं। चौबे जी, इस मुद्दे को लेकर दो दिनों से हंगामा बरप रहा था सदन के भीतर, लेकिन आज बृहस्पति सिंह ने खेद प्रकट किया है क्योंकि टीएस सिंहदेव जी भी आज सदन में नहीं पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना था, विस्तार से जानकारी। देखिए, सदन की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित होने के बाद पुनः शुरू हुई और उसमें खासकर की बृहस्पति सिंह का कार्यवाही सदन में स्थगित होने के बाद जब पुनः कार्यवाही शुरू हुई तो साफ तौर पर बृहस्पति सिंह का बयान निकल के आया कि कोई संवैधानिक संकट अभी नहीं है। मैंने अपने संविधान के अधिकारों का प्रयोग करते हुए ये कहूंगा कि गृह मंत्री इस मामले में अब जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करेंगे, लेकिन बृहस्पति ने कहा सदन से माफी मांगते हुए कि भावावेश में आके मैंने मीडिया के सामने ये आरोप स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगा दिए थे जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। और उसी के साथ साथ गृह मंत्री ने भी इस घटना के संबंध में वक्तव्य दिया कि सिंहदेव के ऊपर सारे लगाए जा रहे पूरे आरोप पूर्णतः असत्य है। इसके तुरंत ही बाद जब स्थिति सामान्य होती दिखी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी ने जो बयान दिया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, गृह मंत्री का भी अब बयान आ चुका है, स्वास्थ्य मंत्री ने जो बातें कही थी उन बातों को सदन, वो भी बातें अब सदन में आ चुकी है। सभी वरिष्ठ सदस्यों के बीच में अब जो गतिरोध था
वो दूर हो चुका है और उन्होंने साथ ही साथ आसंदी को भी धन्यवाद दिया। ये कार्रवाई होते ही ये सूचना मिली तुरंत कि टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री अपने बंगले से विधानसभा की ओर अग्रसर हो गए। कहीं ना कहीं दो दिन से चल रहे इसलिए इस संवैधानिक बहुत बड़े अंतरकला का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पटाक्षेप होते और खत्म होते दिखाई पड़ता है। खासकर की सदन के अंदर बृहस्पति सिंह स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और स्वयं गृह मंत्री के बयान आने के बाद। जानकारी के लिए नितिन जी। तो दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है कि आप कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। चर्चा के लिए हंगामे के लिए माननीय अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, विभिन्न पहलुओं मेरी मान्यता है कि सब ठीक चलेगा। 8 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात हुई और उसके पहले हमारे जो नए विधायक जो बैठे हैं उनका प्रबोधन कार्यक्रम 4-5 तारीख में रहेगा। अभी कच्ची पक्की चर्चा है, अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष जी लेंगे।